नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा और तरीन बड़ी खबर जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। 27 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला। दोस्तों बिहार के पति पत्नी को सलाम कर रहा पूरा देश। कलयुग में से संतान मिलना मुश्किल, बेटा तो बेटा, बहू ने जीता दिल। दोस्तों श्रीलंका के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, शरारती तत्वों पर रखे नजर, उन्हें संप्रदाय को कर सकते हैं उत्तेजित। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खबर, लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानेंगे कितनी बड़ी सैलरी। दोस्तों लुलू मॉल विवाद को लेकर सीएम योगी ने दिए पुलिस को सख्त निर्देश, अब नहीं बख्शे जाएंगे शरारती तत्व। दोस्तों हाल बेहाल है, बारिश के लिए नमाजियों ने रो रो कर अल्लाह से लगाई गुहार। दोस्तों बात करेंगे सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें 27 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला। दोस्तों कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ प्रशासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूल कॉलेज में मंगलवार से 27 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया है। दोस्तों जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने सोमवार को बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते सभी बोर्ड CBSE और ISER के माध्यम शिक्षा के स्कूल 27 जुलाई तक बंद रहेंगे। दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA योगेंद्र कुमार के आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालय 27 जुलाई तक बंद होने वाले हैं। इन आदेशों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों प्रशासन के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS BSI ओर से अलग अलग आदेश जारी कर स्कूल कॉलेजों को 19 जुलाई से 27 जुलाई तक बंद रहने का यानी अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन के कारण छात्रों में होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। जहाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बिहार के पति पत्नी को सलाम कर रहा पूरा देश। कलयुग में से संतान मिलना मुश्किल, बेटा तो बेटा, बहू ने जीता दिल। तो कलयुग में माता पिता पर अत्याचार करते हुए हजारों खबरें मिल जाएंगी, लेकिन माता पिता की सेवा करती खबरों को सुनकर खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो पुरानी कहावतों को और कहानियों को सच कर दिखाते हैं। दोस्तों बिहार में बेटे और बहू ने श्रवण कुमार बने बुजुर्ग दंपति को कांवड़ में बिठाकर 150 किलोमीटर की यात्रा कराई। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार के जहानाबाद के हैं। दोस्तों जहानाबाद जिले के रहने वाले दो दंपति ने माता पिता की इच्छा के लिए 150 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू की। माता पिता ने देवघर के बाबा धाम जाने की इच्छा जताई, तो इच्छा पूरी करने के लिए दंपति ने कांवड़ में बिठाकर यात्रा शुरू कर दी। बेटा और बहू ने एक बहंगी तैयार करने के बाद श्रवण कुमार की तरह कंधे पर कांवड़ लेकर यात्रा सेवर की। दोस्तों सावन मेले में ये दंपति अपने माता पिता को ठीक उसी तरह तीर्थ पर निकाला जैसे कभी श्रवण कुमार निकले थे। चंदन कुमार उनकी पत्नी रानी देवी ने माता पिता को देवघर लाने के लिए श्रवण कुमार बन गए। दोस्तों कांवड़ में बिठाकर माता पिता को बाबा धाम की यात्रा पर निकले। दंपति ने सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। बेटे बहू का ये कांवड़ देख लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। लोग इस विशेष कांवड़ का फोटो और वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बेटे चंद्र कुमार ने बताया कि सत्यनारायण व्रत की पूजन के दौरान माता पिता को बाबा धाम की यात्रा करने की इच्छा हुई। बुजुर्ग होने के कारण वे पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते थे। जब वे इच्छा हमने अपनी पत्नी को बताया तो उसने काफी हिम्मत दी। इसके बाद हम दोनों ने माता पिता की अनुमति ली और निकल पड़े। चंद्र ने बताया कि माता पिता को वे हम बहंगी में बिठाकर अपने कंधे के बल पर इस यात्रा को सफल करेंगे। इसके लिए एक मजबूत कांवड़ नुमा बहंगी तैयार किया है। रविवार को सुल्तानगंज से जल भर कर उसे बहंगी में आगे पिताजी और पीछे माताजी को बिठाकर यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों वहीं बहू रानी देवी ने बताया कि पति के मन में इच्छा जाहिर हुई तो मुझे भी इसमें भागीदार बनाने का मन हुआ। हम लोग खुश हैं और आपके अपने ससुर को बाबाधाम की यात्रा कराने के लिए निकल पड़े हैं और लोग भी हम लोगों को हिम्मत दे रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। माता पिता को कांवड़ में ले जाकर जाने से हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चंदन की माता ने बताया कि हमें तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, प्रार्थना है कि मेरे पुत्र को सब खुशी मिले। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें श्रीलंका के मुद्दे पर सर्वजन्य बैठक, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। दोस्तों सरकार ने श्रीलंका संकट को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करने के लिए। श्रीलंका पिछले साल दशकों में सबसे अधिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेश मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के यातायात में बाधा आ रही है।
सरकार के खिलाफ उग्र प्रशासनों के द्वारा आर्थिक संघर्ष उपज हालत ने देश में एक सार्वजनिक संकट को भी जन्म दे दिया है। दोस्तों बताते चले कि तमिलनाडु के राजनीतिक पार्टियों द्वारा श्रीलंका के मुद्दे पर चर्चा की मांग के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें पहले हुई सर्वदलीय बैठक में नुमद्र और अनुमद्र ने कहा था कि मौजूदा आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका को भारत की मदद की जरूरत है। श्रीलंका में रह रहे तमिल आबादी को लेकर AIMDA के एम दुगुरुई और DMK TR बालू ने भी चिंता जाहिर की है। मालूम हो कि श्रीलंका में आपातकाल लागू है और जिनका जितना सड़कों पर उतर कार विरोध प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले देश में आपातकाल की घोषणा की। देश में राजनीतिक संकट और अराजकता के बीच गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से वीर पक्ष रिक्त है। देश की 225 सदस्यीय संसद में दो बार राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चालू साल के पहले 4 महीने में भारत ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्जा दिलाया था। इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। इस साल के पहले 4 माह यानी 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 के बीच अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और आर्थिक उथल पुथल से स्थित द्वितीय राष्ट्र को भारत ने 27.69 करोड़ डॉलर का ऋण दिया। वहीं चीन ने इस अवधि में श्रीलंका को 6.77 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। दोस्तों श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान इसे भारत में सबसे अधिक 37.69 करोड़ डॉलर के ऋण सहायता मिली है। भारत के बाद एशिया विकास बैंक ADB 35.96 करोड़ डॉलर के साथ श्रीलंका का दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता यहाँ है और इस अवधि में विश्व बैंक ने श्रीलंका को 6.73 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। इससे पहले 4 माह में श्रीलंका को कुल 96.88 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज मिला है। इसमें से 96.81 करोड़ डॉलर ऋण के रूप जबकि 7 लाख डॉलर अनुदान के रूप में वितरित किए गए। जहाँ दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें CM योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश से शरारती तत्वों पर रखे नजर, उन्हें संप्रदाय को कर सकते हैं उत्तेजित। दोस्तों हाल ही में विवाद और भड़काऊ बयान में कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों पर नजर रखें, ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ जरूरी और टाइलेंस की नीति अपनाने का सख्त निर्देश के साथ CM योगी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान खुद मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराया कि यातायात बाधित कर सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक जुलूस की यात्राओं में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंडल रेंज जोन और जिलों में तैनात पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों कांवड़ यात्रा जनशक्तियों के निस्तारण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रवण माह में कई योजनाएं होंगे, शिवालयों में सामने से अधिक लोगों की उपस्थिति होगी, आयोजकों या मंदिर प्रदर्शन से पहले समन्वय बनाकर रखेंगे। दोस्तों तत्वित कार्रवाई और संवाद संपर्क अप्रिय घटनाओं को संभालने में सहायक होता है। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पर बिना विलंब किए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान खुद मौके पर पहुंचे। संवेदनशील प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें, सेक्टर स्कीम लागू करें। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों से जाते पूरी कठोरता की जाए। ऐसे ओ के लिए सभी समाज में कोई संस्थान यानी स्थान नहीं होना चाहिए। निर्देश दिए गए कि धार्मिक यात्राओं जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो। दोस्तों ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। थाना सर्किल जिला रेंज जोन मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरु और समाज के अन्य प्रस्थानों के साथ संवाद करें। यातायात बंधित कर सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। दोस्तों CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों के रात्रि विश्राम के क्षेत्र में सुरक्षा और जनसुविधा के पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। पुलिस बल फुट प्रोटिंग करे, PRV 112 सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि पवित्र समय मास से पहले सोमवार को सभी जिलों में आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया है और यहाँ की हमारी इच्छा है कि परिणाम के सभी के जगह से स्थिति शांतिपूर्ण रहनी चाहिए। जहाँ दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें केंद्र कर्मचारी के लिए बड़ी खबर है, लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानेंगे कितनी बड़ी सैलरी। दोस्तों केंद्र कर्मचारी के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश देश भर में लागू है और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिश करी जाए
उसमें भी कम सैलरी मिल रही है। दोस्तों कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वें वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक केंद्र कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेट फैक्टर को काफ़ी मुखरता से दी गई है। फिलहाल ये फैक्टर 2.97 गुना है। हालांकि वे 7वें वेतन आयोग में इसमें 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई। अगर ऐसा हो सकता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसे सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाए। दोस्तों आपको बता दें ऑटोमेटिक वे रिवीजन सिस्टम हो सकता है जिसमें 50% से ज़्यादा DA होने वाली सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन को हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों को और 52 लाख पेंशन अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने हाल ही में सभी इसको लेकर अंतिम फैसला नहीं दिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा। दोस्तों मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार महंगाई को देखते हुए लो ओवर लेवल के मीडियम लेवल के कर्मचारी की सैलरी बढ़ दी जाइए। ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नई सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा ना मिले। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें लुलु मॉल विवाद को लेकर CM योगी ने दिए पुलिस को सख्त निर्देश, अब नहीं बख्शे जाएंगे शरारती तत्व। दोस्तों लखनऊ में लुलु मॉल के खुलते ही इसकी खूबियों को लेकर कम विवादों को लेकर ज्यादा चर्चाओं का बाजार है। आपको बता दें मॉल में कभी नमाज तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब CM योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए सोमवार को प्रदेश भर के पुलिस अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा है कि लखनऊ में एक लुलु मॉल खुला है जो अपनी व्यवस्था की गतिविधियां चला रहा है, इसकी राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतकर प्रदर्शन करना, जनता का आवागमन बंधित करना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसके जरिए सांप्रदायिक विशेष फैलाने का कोशिश प्रयास हो रहा है। इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम गंभीरता से लेते हुए सख्ती से निपटने के सख्त निर्देश दे दिए हैं।